तेलंगाना कांग्रेस पार्टी एआईसीसी सेक्रेटरी वी हनुमंत राव ने मुजाहिद आजादी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में एक इजलास मुनाकिद किया। इसके अलावा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर फूल भी चढ़ाए और उन्हें खराज पेश किया। इस इजलास के मौके पर हनुमंत राव ने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। ट्राइबलों को 10% के रिजर्वेशन की बात करें, मगर बाद में मातमाल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन बढ़ना नहीं है। मगर यही बात नरेंद्र मोदी अपर क्लास में जो गरीब है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनका रिजर्वेशन 10% लाने की वजह से आज 60% हो गया। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात आती, माइनॉरिटी की बात आती, गिरिजनों की बात आती तो हमारे को रिजर्वेशन की बात बताते, बढ़ना नहीं। मगर बढ़ा दिया ठीक है, मगर हमारे को 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ, आज को 25 साल हुआ, मगर आज इसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा रिजर्वेशन डबल डिजिट को भी नहीं आ रहा, 9% पे रुक गए। क्यों बोले तो हमारे ऊपर क्रिमी लेयर लगा है, क्रिमी लेयर जिसका तनख्वाह सालाना अगर 8 लाख हुआ तो उसका भाई बेटा पढ़ नहीं सकती, उसकी बेटी पढ़ नहीं सकती, उन लोग रिजर्वेशन में नहीं आते। ये कहां का तरीका है भाई? हमारे अकेले कोई ये रिजर्वेशन की बात में क्यों आता है भाई? तो इसी वजह से आप क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, आप अपने आप को ओबीसी बोलते हैं, क्रिमिनल हमारे ऊपर क्यों लगाते भैया? आज तुम अपर क्लास वालों को 10% रिजर्वेशन दिया तो हम नको नहीं बोले भैया, हम नहीं बोलते, उसमें भी गरीब है। मगर हमारा 27% में हम 9% को रुके, 25 साल हुआ, इसको क्यों हम आगे नहीं बढ़ाते, क्रिमिनल क्यों नहीं हटाते? ये बात है। बंडी संजय बोल रहा हो मेरे वजह से आज 10% अपर क्लास, आप भी बैकवर्ड है। हमारा रिजर्वेशन में 52% हमारा बैकवर्ड है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ना, हमारे बच्चे खाली रोडों पे फिरना है क्या? कल हम वोट डालने का मशीन है, हमारा वोटों से आप जीतते, हमारे नौजवान बच्चा हमारे खवातीन को रोड पे ला रहे, जब तक खाली हवाबाजी, पुराने शहर में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे नहीं तो दारू सलाम को अटैक करेंगे, ये भाषा से काम नहीं चलेगा भैया। आवाम की तरक्की होना चाहिए, नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, खवातीन को नौकरी मिलना चाहिए, उन लोगों में दूसरों के जैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके साथ ही साथ हम चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश कर रहे भैया, कब तक आप रिकमेंड नहीं करते? आप बड़े बड़े बातें करते हैं मगर हमारी ओबीसी की बात नहीं करते। और दूसरी बात, हमारी ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है अपने आप को ओबीसी बोलते है, फिर ओबीसी में क्यों काम नहीं करते भाई? हम वोट डालने के मशीन है, खाली अपर क्लास वाले ही वोट डालते हैं क्या? हम नहीं डालते? डेमोक्रेसी आप लोगों को ही है, हमको नहीं है क्या? तो इसके साथ ही साथ और एक बात है, हमारे पिंगर वेंकैया साहब जो उस जमाने में 1921 में भारत देश का झंडा बनाया, नेशनल फ्लैग बनाया, उसको आविष्कार करा कौन? महात्मा गांधी विजयवाड़ा में जमकाना प्ले ग्राउंड में, यही हमारा फ्लैग बोला। आज 1921 आ रहा, ये साल तमाम 1921 से 22 तक ये चलना चाहिए। जैसा केसीआर को, केसीआर पीवी नरसिंहराव को सेंटरी सेलिब्रेशन बींग ए तेलुगु वाड़ा, तेलुगु 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 प्राइड, फिर पिंगल वेंकैया भी तेलुगु प्राइड है भाई। एक नेशनल फ्लैग को इम्पोर्टेंस देना, आने वाले नस्ल को मालूम होना चाहिए व्हाट इज द नेशनल फ्लैग, व्हाट इज द इंडिया, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग, हर नौजवान हर खवातीन को मालूम होना चाहिए। इसकी वजह से मैं सोनिया गांधी को भी लेटर लिख रहा हूँ, साथ ही राहुल गांधी को लिखा हूँ, उमेश चांडी को भी लिखा हूँ, पीसीसी प्रेसिडेंट को भी लिखा हूँ, ये काम भी अपन लेना चाहिए। गांव गांव नेशनल फ्लैग, हर गांव में नेशनल फ्लैग, जातीय झंडा, ग्राम ग्रामीण की जातीय झंडा, ये कार्यक्रम लेने वाला हूँ।